Hello children, welcome you in my channel Vidya Niketan. Children, today we are going to start our new chapter, chapter 8, Nature's Flashlight. So let's share our ideas first. Let's talk about insects. Given below are some common insects: a ladybird, an ant, a mosquito, a butterfly, a bee, a cockroach, a housefly, a dragonfly, and a grasshopper. Find out about these creatures. Are they helpful? Are they harmful? So let's start with a ladybird. A ladybird is not harmful for us because it cannot spread any disease. The next is an ant. Ant is quite harmful for us when the red ant bites us. A mosquito is very harmful for us because it spreads malaria and dengue. A butterfly is helpful for us because it carries pollen grains from one flower to another to reproduce. A bee is also very helpful for us because it gives us honey. A cockroach is very harmful for us because it spread disease causing germs. The next is housefly. Housefly is also very harmful for us because it carrying disease causing germs. A dragonfly is helpful for us because it also carry pollen grains from one flower to another to reproduce. A grasshopper is harmful for us because it destroy our crops. So let's start our chapter here. Now we shall read about a very attractive insect, a firefly. Do you know what is firefly? Firefly is also a common insect. ये बच्चों जिन्हें हम जुगनू भी कहते हैं, ये एक ऐसा इंसेक्ट है जिसमें लाइट इसकी बॉडी के पीछे लाइट जलता हुआ सा दिखाई देता है. और यहाँ पे द लाइफ स्टोरी ऑफ ए फायरफ्लाई. फायरफ्लाई की लाइफ स्टोरी है ये, जिसमें एक फायरफ्लाई अपने लाइफ की स्टोरी को यहाँ पर बता रहा है. सो स्टार्ट आवर चैप्टर हियर. आई एम फ्लेम द फायरफ्लाई. मैं फ्लेम हूँ और मैं एक फायरफ्लाई हूँ. दिस इज माई स्टोरी टोल्ड अ राइटर फ्रेंड. यह मेरी कहानी है जिसे मैं एक लेखक दोस्त को बता रहा हूँ जो कि केन है. ही आस्क्ड मी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्ड हिम इन अ फ्लैश ऑफ लाइट. 1 for yes and 2 for no. यहाँ कहता है कि वो जो राइटर फ्रेंड हैं जो इनके बारे में लिख रहे हैं, वो इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें ये लाइट जलाकर उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं. अगर ये एक बार लाइट जलाता है इसका मतलब होता है यस, और अगर ये दो बार लाइट जलाता है इसका मतलब होता है नो. माई मदर लेड हर एग्स इन द ग्राउंड. मेरी माँ ने ज़मीन पर बहुत सारे अंडे दिए. आफ्टर ए मंथ आई वॉज हैच्ड एज ए लार्वा एलोंग विथ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. यहाँ पे कह रहा है फायरफ्लाई कि एक महीने बाद मैं और मेरे भाई बहन हैच हो जाते हैं और लार्वा के रूप में बाहर निकल आते हैं. वी वरंट प्रिटी टू लुक एट जस्ट गर्ब्स. हम देखने में इतने सुंदर नहीं हैं, बिल्कुल लार्वा की तरह ही दिखते हैं. बट वी हैड ए स्पेशल गिफ्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग जॉ. लेकिन हमें एक स्पेशल गिफ्ट मिला है, एक हमारे पास एक जोड़े मजबूत जबड़े हैं. विथ दिस इक्विपमेंट वी वेयर एबल टू ओवरपावर स्लग्स वॉर्म्स एंड इवन स्नेल्स एंड मेक देम आवर फूड. वी एट अ लॉट. यहाँ कहता है कि इसी इक्विपमेंट यानी इक्विपमेंट यहाँ पे वो कह रहा है अपने जबड़ों के लिए कि उन्हीं मजबूत उपकरण इक्विपमेंट का उपकरण, लेकिन इक्विपमेंट यहाँ पर यूज़ हुआ है उनके स्ट्रॉन्ग जॉ के लिए जिससे वे स्लग्स यानी घोंघा वॉर्म्स और बहुत सारे इसी तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों स्नेल आदि को वो खा लेते हैं, और वो बहुत खा लेते हैं. बच्चों देखिए, आपके लिए मैंने यहाँ पे जो थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनकी हिंदी भी लिख रखी है मैंने. वी स्पेंट अबाउट अ ईयर क्रॉलिंग बिलो एंड ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड ईटिंग एंड ईटिंग. इन दैट टाइम सम ऑफ अस
जस्ट डिसअपियर्ड स्नैप्ड अप बाई अदर क्रिएचर्स, दैट्स लाइफ आई सपोज। यहाँ पे ये कहता है कि आई स्पेंट अबाउट अ ईयर, हम एक साल तक सिर्फ क्रॉलिंग करते हुए यानी रेंगते हुए अपने एक साल इन्हीं ज़मीन पर बिता देते हैं और सिर्फ उन दिनों हमें खाना और खाना ही होता है। और उस समय तो कुछ जो इंसेक्ट्स हैं, जो लार्वाज हैं इनके, वो गायब भी हो जाते हैं, या तो वो दूसरे जीवों के द्वारा खा लिए जाते हैं या मर जाते हैं। दैट्स लाइफ आई सपोज, मैं सोचता हूँ कि क्या यही ज़िंदगी है। नेक्स्ट स्ट्रेंजा है, वन डे आई फेल्ट वेरी स्ट्रेंज, एक दिन मुझे बड़ा ही स्ट्रेंज सा लगता है, बड़ा ही आश्चर्य सा लगता है। आई वेन वेंट ऑफ माई फूड, मैं खाने के लिए खाना भी ढूंढने के लिए या खाने के लिए भी नहीं जा पाता हूँ। आई क्रैप्ट टू अ ट्री एंड हिड इन इट्स बार्क, मैं पेड़ के तने से, पेड़ के छाल के पीछे अपने आप को छुपा लेता हूँ। देन आई बिगन टू रैप माई सेल्फ अराउंड विथ अ थ्रेड अंटिल इट बिकम अ केस। कहता है ये कि उस दिन एक दिन क्या होता है कि ये खाना भी ढूंढने के चक्कर में नहीं जाता और पेड़ की छाल में अपने आप को छुपा लेता है। इसके बाद ये अपने आप को रैप करने लगता है। रैप कैसे करता है बच्चों, ये एक जाल सा बुन लेता है अपनी चारों तरफ और उसमें अपने आप को ये सेफ महसूस करने लगता है। आई फेल्ट सेफ इन, आई मस्ट हैव गॉन टू स्लिप, और इसके बाद इसका मन करता है कि जैसे वो सो जाए। किन सेज आई बिकॉज आई बिकेम अ प्यूपा एंड स्टेड लाइक दैट फॉर वर मोर देन अ वीक। इसके बाद केन कहता है कि इसके बाद ये बन जाता है प्यूपा एंड स्टेड लाइक दैट फॉर मोर देन अ वीक, और उसी प्यूपा बने ही ये कम से कम एक हफ्ते से ज़्यादा प्यूपा ही के रूप में रहता है। द डे आई वॉक आई हैड कम्प्लीटली चेंज, उसके बाद जब ये निकलता है तो एकदम ये बदल चुका होता है। द डे आई वॉक अप, ये कहता है फायरफ्लाई कि जब एक दिन वो उठता है तो वो अपने आप को बिल्कुल चेंज महसूस करता है। आई वॉज नॉट क्वाइट गुड लुकिंग, आई वॉज नाउ क्वाइट गुड लुकिंग, यानी अब वो देखने में अच्छा भी लग रहा है। जैसे कि पहले इसने पीछे कह रखा था ना कि हम देखने में भी अच्छे नहीं लगते, तो अब ये अच्छा भी लग रहा है। आई हैड अ सॉफ्ट ब्राउन बॉडी विथ विंग्स इन फ्रंट, ये कहता है कि अब हमारा जो बॉडी है वो सॉफ्ट ब्राउन कलर का हो गया है और इसमें सामने की तरफ आगे की तरफ पंख भी निकल आए हैं, विंग्स भी निकल आए हैं। एंड अंडर माई बॉडी एट द एंड वॉज अ ग्रीन लाइट, और हमारी बॉडी के एंड में एक ग्रीन कलर की लाइट है विच आई कुड फ्लैश ऑन एंड ऑफ, जो कि मैं अपने आप से जला भी सकता हूँ और बुझा भी सकता हूँ। केन सेज द लाइट इज मेड बाय केमिकल्स इन माई बॉडी, केन कहता है कि ये जो लाइट है ये इस मेरे ही बॉडी के अंदर के केमिकल्स से बनता है या बना हुआ है। देयर वॉज अनदर चेंज, और भी एक परिवर्तन हो जाता है। आई लॉस्ट माई टेस्ट फॉर स्लग एंड स्नेल्स नाउ, और अब तो मेरा स्वाद भी बदल गया है। जहाँ तो मैं पहले स्नेल और स्लग खाता था यानी घोंगा कीड़े मकोड़े खाता था, नाउ ऑल आई हैव इज अ लिटिल पॉलेन एंड नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स आई विजिट। इसके बाद ये कहता है कि मुझमें एक परिवर्तन हो जाता है और मैं स्लग्स और स्नेल्स को खाना छोड़कर अब मैं फूलों पर जाता हूँ और उसके नेक्टर को मैं पी लेता हूँ। नेक्टर क्या होता है बच्चों, फूलों का रस पीता हूँ। और मुझे अब तो पॉलेन खाना भी अच्छा लगता है। पॉलेन क्या होता है, परागकण जिसको हम कहते हैं, और ये परागकण फूलों पे होता है, ये पाउडर की तरह होता है। जब आप फूलों को छुओगे तो आपके हाथों में ये चिकना सा पॉलेन ग्रेन्स लग जाएगा। तो अब इसको ये सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं जब ये प्यूपा बना होता है और जब ये कॉमन इंसेक्ट सा बन जाता है। इसके बाद है आई केन सेज देयर आर सम काइंड ऑफ फायरफ्लाइज दैट डोंट ईट एट ऑल,
और भी बहुत से तरह के फायर फ्लाइज हैं जिनको सब ये सब खाना पसंद नहीं होता है। अमेजिंग, पता नहीं उन्हें कैसे ऐसा उनमें होता है। आई वंडर हाउ दे मैनेज, मैं सोचता हूँ कि कैसे वो ऐसा कर पाते होंगे, कैसे ये मैनेज कर पाते होंगे जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। वाई डू वी फ्लैश आवर लाइट, ये कहता है कि हम जो अपनी लाइट को फ्लैश करते हैं वो हम क्यों करते हैं। द मेन रीज़न इज़ दैट वी आर लुकिंग फॉर ए मेट, इसका मतलब मुख्य कारण ये है कि हम अपने मेट को ढूंढ रहे होते हैं, अपने साथी की तलाश में होते हैं। व्हेन ए फीमेल फायरफ्लाई सीज माय लाइट एंड डिसाइड आई एम द काइंड ऑफ फायरफ्लाई सी वांट्स टू बी विथ, क्या कहता है, ये कहता है फायरफ्लाई कि एक्चुअली हम जो लाइट को फ्लैश करते हैं वो अपनी साथी की तलाश के लिए करते हैं। जब कोई फीमेल फायरफ्लाई हमारी लाइट को देखती है तभी वो डिसाइड कर पाती है कि क्या ये वही फायरफ्लाई है जिसके साथ उसे रहना है। सी विल फ्लैश बैक इन ए स्पेशल वे, और इसके लिए अगर वो तैयार होती है तो वो एक स्पेशल तरीके से अपनी लाइट को भी फ्लैश करती है। वी ऑल्सो फ्लैश टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, हम अपनी लाइट को जलाते हैं अपने आप को बचाने के लिए भी। सम क्रिएचर्स आर अलार्म्ड बाय द फ्लैशेज एंड वॉन्ट टच अस, कुछ जानवर तो हमारे इस लाइट से सचेत हो जाते हैं और हमें छूते भी नहीं हैं। केन सेज मेनी क्रिएचर्स नाउ वी टेस्ट हॉरिएबल, बहुत से जानवर तो ये सोचकर हमारे पास नहीं आते हैं क्योंकि उनको लगता होगा कि हमारा टेस्ट बहुत ही भयानक होता होगा। सो दे अवॉइड अस, इसलिए वे हमें छोड़ देते हैं। वेल आई डोंट नो, वंस आई सॉ अ फ्रॉग एट नाइट, एक रात मैंने एक मेंढक देखा। इट एट सो मेनी फायरफ्लाइज दैट इट ग्लॉब, ग्लॉब्ड मीन्स निगला हुआ, यानी एक कहता है ये कि एक रात मैंने एक फ्रॉग को देखा था जो कि बहुत सारा फायरफ्लाई निगल चुका था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसका पेट ही ग्लो होने लग रहा था जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। हाउ लाइफ एज ए फायरफ्लाई, वी लीव फॉर ओनली 2 मंथ्स एज फायरफ्लाइज, ये कहता है कि कैसी जिंदगी है हमारी। वी लीव फॉर ओनली 2 मंथ्स एज फायरफ्लाई, हम सिर्फ 2 महीने के लिए ही फायरफ्लाइज के रूप में रहते हैं। सो वी नो हाउ टू इन्जॉय आवर सेल्फ, इसलिए हमें पता होता है कि हमें अपनी लाइफ को किस तरह से इन्जॉय करनी है। बट लाइफ इज गेटिंग हार्ड, यू सी वी लाइक टू लिव इन वार्म डैम्प सराउंडिंग विथ अ प्लेंटी ऑफ ग्रीनरी, ये कहता है कि लेकिन हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही हार्ड है, बहुत मुश्किल भरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमें पसंद है वार्म यानी गर्म जगह, डैम्प सराउंडिंग्स यानी ऐसी जगह जहाँ ढेर जमा होते हैं कूड़े करकटों के, मलबों के, जहाँ ढेर से लगे होते हैं और जहाँ बहुत सारी हरियाली होती है, वो जगह ये इन फायरफ्लाइज को पसंद होते हैं और वहीं पर ये रहना पसंद करते हैं। बट देयर आर फ्यूअर ऑफ दीज स्पेस फॉर अस नाउ, लेकिन कुछ ही जगह ऐसे होते हैं जो इनको पसंद हैं। ऑल्सो इन सिटीज देयर इज लेस डार्कनेस एट नाइट, पीपल कीप लाइट्स ऑन, लेकिन शहरों में क्या होता है कि डार्कनेस यानी अंधेरा बहुत कम होता है, रात में भी लोग यहाँ पर लाइट जलाकर रखते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर अंधेरा कम होता है, जो कि दिस इंटरफेयर्स विथ आर एक्टिविटीज़, जिससे इनकी एक्टिविटीज़ को में हस्तक्षेप होता है, यानी इनकी एक्टिविटीज़ को वो जो लाइटेड जगह हैं वो इनको सूट नहीं करती, इनको अंधेरी जगह अच्छी लगती हैं और तभी ये दिखाई भी देते हैं, अंधेरे में ही ये दिखाई भी देते हैं क्योंकि लाइट में इनकी लाइट का पता नहीं चलता है। केन सेज पीपल लव अस ड्यूरिंग द मॉनसून, केन कहता है कि पीपल जो लोग हैं वो इनको मॉनसून में इन्हें बहुत पसंद करते हैं। ड्यूरिंग द मॉनसून, मॉनसून के समय जब बरसात का मौसम होता है, क्राउड्स ऑफ पीपल विजिट फायरफ्लाई फेस्टिवल, लोगों जो फायरफ्लाई फेस्टिवल होते हैं उनमें लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है इन्हें देखने के लिए।
ऑफ कोर्स वी आर देयर इन आवर थाउजेंड। सही मायने में तो ये वहां पर उपस्थित रहते हैं हजारों की संख्या में। एंड पीपल कम टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ आवर लाइव्स, और लोग यहाँ आते हैं इनकी जिंदगी, जादू भरी जिंदगी और जादू भरी लाइट को देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पे बच्चों मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया, आपको हिंदी में इसको समझाया मैंने। अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो अगर ये मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बच्चों, थैंक यू एंड मीट यू अगेन। ओके बाय बच्चों।